हाय गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दो सबसे चीपेस्ट तरीके जिससे कि आप अपने सैनिटाइजर है जो बना सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है सैनिटाइजर को अपने घर में बनाना। किसी भी चीज़ को अपने घर पे बनाने से अच्छा, सस्ता और टिकाऊ मेथड कोई नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाली बोतल चाहिए होगी। ये मेरी खाली सैनिटाइजर की बोतल है, इसमें कि मैं सबसे पहले ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालूंगा। ये 100% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो मैं इसमें फिल करूंगा। तो इनका रेशो रहेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाटर का वो रहेगा 70 and 30। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप 80:20 भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालूंगा। आप ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर आप मेडिकल की शॉप से खरीदेंगे तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, आपको करीब करीब 150 रुपये का 500 ml ये पड़ जाएगा। क्योंकि आप दुकान से खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे कि आप कम से कम भी आधा लीटर एक लीटर के आसपास बना सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे। वाटर मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ 30%। अब ये देख लीजिए इतना मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाला है, इसमें मैं थोड़ा सा वाटर डाल दूंगा। मैं 4 स्पून ऑफ वाटर डाल रहा हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा माइल्ड हो जाए, इसका जो वो है स्ट्रॉन्ग है जो थोड़ा सा माइल्ड हो जाए। जैसे 4 टेबल स्पून डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे टी ट्री ऑयल। ये जो टी ट्री ऑयल है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा अबाउट 10 से 20 रुपये में, जिससे आप काफ़ी सारा किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे सैनिटाइजर में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ खराब ना हो, मॉइस्चराइज रहे। तो इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप की डाल दूंगा ऑयल की। अब इस ऑयल को डालने के बाद आप इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो। तो इसमें मैं ग्लिसरीन डाल देता हूँ थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दिया है। अब इन चीज़ों को आप मिक्स कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले। तो जो सैनिटाइजर हमारा बनके तैयार हुआ है, अब इसको हमें एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सैनिटाइजर। तो देखिए आपका सैनिटाइजर बनके तैयार है। ये कितना अच्छा लग रहा है कलर में भी जो सैनिटाइजर है। अब मैं इसे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, हाथ में रख कर देखता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा सैनिटाइजर अपने हाथ में लिया, ये देखिए, और हाथ में ऐसे रब कर लिया। तो ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल सूख चुके हैं, बिल्कुल भी सैनिटाइजर मेरे हाथों में बाकी नहीं है।